नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बता चुके हैं, तो उसमें हमने बताया था कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है और कैपिटल जी सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी बना दी, पृथ्वी का द्रव्यमान एम है और मतलब पूरा कोई वस्तु का द्रव्यमान होता है उसे केंद्र में नियत होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी गोल होती है तो पृथ्वी की त्रिज्या होगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी तल पर कोई एक वस्तु रखी है, उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो हमें पता है पृथ्वी तल पर कोई भी वस्तु होती है तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जब पृथ्वी तल पर हम एम द्रव्यमान की वस्तु रखेंगे तो पृथ्वी क्या करेगी, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। जी तो हर जगह नियतांक होता है, निश्चित होता है मान। एम वन एम टू होते हैं जिन दो पिंडों के बीच बल लग रहा है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो पृथ्वी और जो वस्तु तल पर रखी है उसके बीच लग रहा है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी ले ली जाती है, आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी कैपिटल आर है, तो यहाँ कैपिटल आर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो पृथ्वी क्या कर रही है, इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। कितने बल से कर रही है, तो वो बल हमने निकाल लिया है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और हमने बताया था, वस्तु का भार। कोई भी वस्तु का भार भी पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल ही तो होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है वो बल भी वस्तु का क्या कहलाता है, भार। और उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था एम इंटू जी। अगर वस्तु का द्रव्यमान एम है और वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो फिर जो वस्तु का भार होता है वो एफ बराबर एम इंटू जी होता है, यानी भार, या कह सकते हैं पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है और ये भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ जो एफ का मान एम जी निकल के आया वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये दोनों ही गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी द्वारा लगने वाले इस वस्तु पर। तो एफ की जगह यहाँ एम जी रखेंगे बराबर में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। इससे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा तो आ जाएगा कैपिटल स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम वस्तु का सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो बड़ी वस्तु होती है उसका द्रव्यमान, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हो जाएगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर।